बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकोल स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है पिंडू कुमार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से जो है कक्षा 1 से 8 तक की बच्चे का जो है पेमेंट का स्टेटस जानेंगे, कि उनके पोशाक की राशि और छात्रवृत्ति की राशि कब तक आएंगी और कैसे चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि आपके भी घर में जो भी हैं बच्चे जो फर्स्ट क्लास 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल में ज़रूर पढ़ते होंगे, तो चलिए इनका स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो सिखाते हैं एक इंट्रो के बाद। गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को कर दीजिए क्लिक और बगल में घंटी को भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो भी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि मेधासॉफ्ट की वेबसाइट यानी ई लाभार्थी पर आपको क्या करना है कि आ जाना है। मेधासॉफ्ट जो ही आप लिखेंगे तो इस वेबसाइट पर आपको चले आना है। ये वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर जो है इसका जो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है आपको, यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाता है 3 डॉट का, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट पर आपको आना है। रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम आपको ये भी सिखाएंगे जिन भी बच्चों का जो है जिन स्टूडेंट्स का पेमेंट जो है यानी कि उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसका भी स्टेटस कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे जानेंगे पेमेंट स्टेटस पर, जिन बच्चों का पैसा राशि आने वाला है उनका चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से उसका डैशबोर्ड जो है खुल गया है। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी बिहार में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूर्वी चंपारण सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोटवा सेलेक्ट कर लिया। स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका स्कूल हो, यहाँ पर पूरी स्कूल का जो लिस्ट है वो आ गया है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि जो भी लड़कियाँ यानी कि क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ती है उन लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलता है हाई स्कूल में, तो वो भी अपना चेक कर सकती है यानी आपके कॉलेज में। जैसे कि ऊपर आपको एक कॉलेज शो कर रहा होगा, एक के आर आर कॉलेज यहाँ पर। उसी तरह से नीचे आप बहुत सारे स्कूल और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कॉलेज देख सकते हैं आप। और यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना स्कूल जो है सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ से अपना स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्क्रमित मध्य स्कूल अदिया, इस तरह से जो है आपके गाँव का स्कूल भी आ जाता है यहाँ पर। तो हम अपने गाँव का स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। क्लास वाई क्लास यहाँ पर हम आप यहाँ पर 2 क्लास चेक करके बताएंगे, 1 और 6 7 का। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी क्लास का तैनात जो है यहाँ पर, कितने क्लास यानी कितने कक्षा के जो बच्चों का जो है पढ़ाई होता है आपके स्कूल में, वहाँ पर 7 तक इसमें होता है, तो यहाँ पर आ गया। ओके गाइज, तो यहाँ पर जैसे कि मैं 6 क्लास के बच्चों का सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेक्शन यानी कि आपके बच्चे का जो है किस सेक्शन में नाम है, हालांकि आप ये सेक्शन क्लिक कर लीजिए नहीं मालूम है तो। यहाँ पर 2 ऑप्शन से आप चाहे तो अपने बच्चे का जो है अपने स्टूडेंट्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक तो आप ये सारी डिटेल्स चेक करके जो हम अभी बताएं, उसके बाद में अकाउंट नंबर सिंपली डाल करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में शो पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस शो पर क्लिक कर देते हैं। शो पर क्लिक करने के बाद में ये सर्च करेगा, यहाँ पर ये जो है खुल गया है। और इधर हम स्क्रॉल करेंगे और ऊपर दिखा दे आपको कि यहाँ पर दिख जाएगा पेमेंट स्टेटस लिस्ट। उसके बाद में यहाँ पर सारी कोड आपको दिख जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे और सारे लड़कों का आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपका DISC कोड हो गया जो स्कूल का कोड होता है, एडमिशन नंबर, आपके बच्चे का एडमिशन कितने नंबर पे, 12 पर है इसका, और एडमिशन कब हुआ इसका ये डेट हो गया, क्लास कितने में है 6 में है, सेक्शन ए है, नेम हो गया बेनिफिशरी नेम अभिषेक कुमार। उसके बाद फादर्स नेम हो गए, मदर्स नेम, आपको ये जो है फादर्स नेम मदर्स नेम मिला लेनी है। और यहाँ पर DISC कोड आपके स्कूल का कोड होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। स्कीम नेम यानी कि किस स्कीम का जो है इसका पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना SC ST BPL, तो इसका जो है पोशाक का राशि आ रहा है। IFC कोड एंड अकाउंट नंबर, ये हो गया IFC कोड, नीचे अकाउंट नंबर शो करेगा, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि जल्दी इन लोगों का जो है पैसा आने वाला है। उसी तरह से आपको दिखा दे कि इसमें सिर्फ लड़का का ही नहीं है, लड़की का भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमृता कुमारी नाम की लड़की है, उस फादर्स नेम मदर्स नेम और ये भी पोशाक की राशि, और यहाँ पर DSC कोड 48 पर नाम है इसका, और इतना का एडमिशन और सेक्शन है 6 क्लास। इस तरह से जो है इसका स्टेटस बताया गया, इसका भी पेंडिंग है, यानी कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसका कब तक इस सबका पैसा आएगा। उसके बाद में हम दूसरे क्लास का चेक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, जैसे कि हमने 1 का बताया तो 1 का भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसका शो फर्स्ट सिंपली क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्लास का भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने बच्चों का
स्कॉलरशिप का मेरिट लिस्ट। ओके, तो यह खुल रहा है कुछ इस तरह से, इसी तरह से कुछ यहाँ पर पहले क्लास का यहाँ पर खुल चुका है। आप देख पाएंगे यहाँ पर स्टेटस वन क्लास, सब चीज़ हम प्रॉपरली आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो है एक क्लास वन क्लास का यहाँ पर जो भी बच्चे एडमिशन लिए होंगे आपके स्कूल में वो आपको दिख जाएगा। उसी तरह से कोड, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास वन, सेक्शन ए, बेनिफिशरी नेम यानी कि बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, मदर नेम, स्कीम नेम, तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाता है। उसके बाद में हम फटाफट से दिखाएंगे आपको कि किन किन के बच्चों का जो रिजेक्ट हुआ लिस्ट वो कैसे दिखेंगे। तो सिंपली उसी तरह से यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट। सिंपली आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इस तरह से खुल गया है। और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। जैसे कि हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है हम, तो इस हम अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसका सिंपली सर्च पर बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिन जिन बच्चों का जो है रिजेक्टेड लिस्ट आया होगा और रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पर यानी कि जिन जिन बच्चों का जो है किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उनका फॉर्म, वो सारे चीज़ यहाँ पर शो कर देगा। और जिनका सुधार नहीं हुआ है, जिनका इस लिस्ट में नाम है, वो कैसे सुधार करेंगे, तो इसी वेबसाइट से किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने जो है प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर से आपको जाकर कॉन्टैक्ट करनी होगी, क्योंकि उसके उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है। तो ये काम आप जा करके अपने स्कूल से करेंगे, ये काम ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य का यहाँ पर हेल्प लेना ही होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पूरे बच्चे का जो है यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ पर अपना स्कूल जो है सेलेक्ट कर लेना है, स्कूल नेम यहाँ से, जैसे कि सीरियल नंबर वाइज है DISC कोड से आप देख सकते हैं, या स्कूल नेम यहाँ पर अपना स्कूल नेम से, उसके बाद में इस नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम फतुहा यहाँ पर जो लिखा हुआ फर्स्ट वाला एग्जाम समझाने के लिए हम पर क्लिक करते हैं, जिसमें एक बच्चे का रिजेक्टेड है। और सेकेंड में देख रहे हैं तो वे में उत्तरा मध्य मध्य स्कूल नवादा, यहाँ पर 14 बच्चों का जो रिजेक्टेड लिस्ट है, इस पर हम 14 पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जिन जिन बच्चों का नाम होगा इस लिस्ट में, उनका जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया होगा, तो उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये काम आप जाकर के अपने स्कूल से जाकर के सुधरवाएंगे। इस तरह से जो है यह खुल चुका है कि किस कारण से किन बच्चों का जो रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर इनका बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्लास दिख जाएगा, यह 2 क्लास का बच्चा है। इसका नाम क्या है, इसके पिताजी का नाम, मदर नेम, बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, और किस कारण से इनका रिजेक्ट हुआ फॉर्म, तो रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नॉट डेज एग्जिट नॉट एग्जिट, यानी कि इनका बैंक अकाउंट जो था, बैंक अकाउंट जो नंबर था, वही इनका मैच नहीं हुआ, यानी कि रिजेक्टेड यानी कि नंबर जो गलत दिया था इन्होंने, इस कारण इनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से जो है आप सारे बच्चों का जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उनका किस कारण से जो है फॉर्म जो है गलत कर दिया गया है। तो ये काम आप जाकर के अपने स्कूल से सुधरवाइए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मज़ेदार ट्यूटोरियल के साथ।